तो जहन में रखें कि मोरिंगा ज़रूर लगाएं। इसका बीज आपको 1,000 रुपये से 2,000 रुपये किलो का मिल जाता है, इसमें 5,000 सीड होते हैं। इसकी जड़ खाई जाती है, इसका पत्ता खाया जाता है, इसका फूल खाया जाता है, इसकी चाय बनाई जाती है। तो इसको इस्तेमाल करें यार, आपके घर में भी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं अथॉरिटी ऑफ मोरिंगा वाले साहब जो हैं, पीर मोरिंगा वाले जो हैं, मोरिंगा चैंपियंस 2015 में मनीला में कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जहां उन्होंने 12 साइंटिस्ट को मोरिंगा चैंपियंस डिक्लेयर किया, जिनमें से एक मैं हूं। तो वो एक छोटा सा अवार्ड कह लें, वो जबरदस्त नहीं जी, हम तो कहेंगे साईं बाबा फैसलाबाद वाले मोरिंगा वाले साहब के साथ में हूँ। मोरिंगा एक ऐसी मिरेकल चीज़ है कि अनबिलीवेबल है। आप छोटा सा पौधा, एक बीज लगाएं उसका, वो आपको साल के बाद पूरा दरख्त बन जाता है। और कोई दरख्त इतने जल्दी ग्रो नहीं करता, ये बड़ा बेहतरीन पौधा है। आपके घर से पत्ते तोड़ें और उससे आप चीज़ें बनाएं। आज मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि आप मोरिंगा से क्या क्या चीज़ें बनाकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मोरिंगा लगाना चाहिए। अगर आप मोरिंगा नहीं लगा रहे तो आपके घर में एक मोरिंगा का ट्री ज़रूर होना चाहिए, आपके पार्क में होना चाहिए, आपके बाग में होना चाहिए। और आप उसके पत्तों को सिखाकर सबसे पहले तो आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरीके से मोरिंगा का पाउडर बनाना है। ये जो पाउडर है ये होलसेल में बिकता है 500 रुपये से 1,000 रुपये में, रिटेल में बिकता है 2,000 से 10,000 रुपये किलो के हिसाब से। अब अगर आप नहीं बनाते तो अपना नुकसान करेंगे। दूसरी चीज़, इससे आप चाय बना सकते हैं। और ये चाय जो है, जिस तरह से टपाल का टी बैग आता है, बिल्कुल उसी तरह से पत्ते सुखाए हुए हैं और पत्ते सुखाकर आप इसको डालते हैं। इसके साथ आप लेमन फ्लेवर, इसके साथ गार्लिक फ्लेवर, इसके साथ आप सिनेमन फ्लेवर, कोई भी चाहें वो बनाकर इसको बेच सकते हैं, अपना ब्रांड क्रिएट करें और इसको आराम से आप मार्केट कर सकते हैं। दराज इज़ द बेस्ट प्लेस, आप प्रोडक्ट बनाएं और दराज पे लगाएं, फटाफट पूरा पाकिस्तान में आपकी सेल शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह जब आप दराज पे 1 करोड़ रुपए की सेल करने लगें तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अमेज़ॉन पे डालें और अमेज़ॉन पे इसको सेल करना शुरू करें। तीसरी प्रोडक्ट जो है वो है आटा। ये आटा आप बना सकते हैं और आटा बनाकर इसको आप बेच सकते हैं, और आटा बनाकर भी आप आटे के साथ मिलाते हैं और ये सुपर फूड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ जो आप बना सकते हैं वो कैप्सूल्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन आप ये बनाते हैं। और अगेन आप ये देखें कि एक पत्ता जो है, अगर आपने 200 रुपये का बेचा तो उसमें जो रॉ मटेरियल है 1,000 रुपये किलो के बावजूद भी शायद रॉ मटेरियल 10 रुपये का ही लगेगा, और जो कैप्सूल की कीमत है वो अलग है। आप बाज़ार में कंपनीज़ मौजूद हैं जो कि आपको ये पूरा पैकेट बना देती हैं, ये कैप्सूल बना देती हैं, उसके बाद आप उसका लाइसेंस लेते हैं, ये इस तरह का आप डब्बा बनाते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको अमेज़ॉन पे बेचें, ख़राब तो होने वाली नहीं है। अमेज़ॉन पे बेचें, दराज से बेचें, सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करें। सारी दुनिया ने हमको पैनाडोल और चीज़ें बेची हैं, आज हम पाकिस्तान जो ऐसा एरिया में रहते हैं जहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी का मोरिंगा पैदा होता है और इसको हम बेच सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मोरिंगा से बना सकते हैं। उसके अलावा आप YouTube पे जाके मोरिंगा के आप भाजी बना सकते हैं, सालन बना सकते हैं, अपनी सलाद में डाल सकते हैं, पाउडर बना के खाने के अंदर ऐड कर सकते हैं, जाके आप ज़्यादा हेल्दी हो जाएं। ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, दीन का काम भी अच्छा करेंगे, दुनिया का काम भी अच्छा करेंगे। और रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतम व फिर आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाब अन्नार में ये हमारी मदद करता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को तमाम उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, तो इससे शुरू कर लें। यस, और किसी के पास भी लैंड हो तो जहन में रखें कि मोरिंगा ज़रूर लगाएं। इसका बीज आपको 1,000 रुपये से 2,000 रुपये किलो का मिल जाता है, इसमें 5,000 सीड होते हैं। उसको आप लें और लगा दें। इसकी दो अकसाम होती हैं, एक काली किस्म की होती है और सफ़ेद होती है। डॉक्टर साहब के हिसाब से उसकी दोनों के अंदर एक ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है, सिर्फ इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी फ़र्क है, हमारे कुछ का फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल 90% 95% सिमिलर है। और वाइट हमारे यहाँ से ज़्यादा तेज़ी से चलता है या वाइट ज़्यादा चलता है? उसकी जो जड़ है ना, उसका अचार बनाया जाता है वाइट का। अच्छा, ब्लैक का अचार निकलता है। ब्लैक का अचार नहीं, तो हाँ अचार भी बना सकते हैं इस प्रोडक्ट का आप। और इसकी जड़ खाई जाती है, इसका पत्ता खाया जाता है, इसका फूल खाया जाता है, इसकी चाय बनाई जाती है। तो इसको इस्तेमाल करें यार, आपके घर में भी होना चाहिए और दूसरों को भी खिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।